सीतामढ़ी जिले में महाशिवरात्रि व्रत के अवसर पर गुरुवार को विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। लोगों के अनुसार आज के ही रोज भगवान शंकर की शादी पार्वती से हुई थी। शादी समारोह में भगवान शंकर की ओर से सभी देवी देवताओं के अलावे भूत बैताल राक्षस सहित संपूर्ण जीव को आमंत्रित किया गया था। शोभा यात्रा में कलाकारों द्वारा सभी देवी देवताओं भूत पिशाच की आकर्षक आकृति तैयार की गई थी। पूरे ग्रामवासियों की ओर से ट्रैक्टर पर आकर्षक मूर्ति के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जो टाउन थाना के प्रांगण से होते हुए जानकी स्थान होते हुए स्टेशन रोड होते हुए पुनः टाउन थाना वापस पहुंची। जगह जगह सामाजिक संगठनों द्वारा शरबत फल आदि की व्यवस्था बाराती में शामिल लोगों के लिए की गई। ये यात्रा 8 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद शिव बारात पुनः मंदिर परिसर में वापस पहुंची, जहां रात्रि में शिव पार्वती विवाह समारोह संपन्न हुआ। शोभा यात्रा में सुरक्षा की संपूर्ण व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई थी। बीटी न्यूज़ बिहार के लिए सीतामढ़ी से अमित कुमार सीतामढ़ी शहर के बीचों बीच महंसा के चौक पर नगर थाना के कैंपस में बाबा शिवनाथ की जो मंदिर है, आज ये 41वां साल है। वहाँ से मनोकामना नाथ सेवा समिति के द्वारा हर साल ये विशाल जुलूस निकाला जाता है, जिसमें पूरे सीतामढ़ी शहर के अलावा पूरे जिले के लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि हम बाबा के बारात में एक बाराती बनकर उसके साक्षी बने, रात में जब बाबा का शादी हो रहा हो उस शादी को हम देखें। आप विश्वास नहीं करेंगे कि रात भर उस मंदिर में जो पूरे सीतामढ़ी के और माताएं और बहनें बैठ कर जो शादी देखती है और शादी का गान गाती है, अपने आप अद्भुत और एक सुंदर कला। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे सीतामढ़ी वासी को, पूरे जिला वासी को, सहित बिहार वासियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। बाबा भोलेनाथ अपना आशीर्वाद संपर्क। रात्रि तीनों लोगों का महापर्व है। यहाँ वंदे महाकाल महासुरेशम, तीनों लोगों को कल्याण करने वाले महादेव हैं और जगत धन्य जगदम्बा की धरती पे शिवरात्रि का महोत्सव बड़े हर्ष उल्लास के साथ सभी समाज सभी वर्ग के लोग मनाते हैं और शिव ही विश्व का कल्याण करने वाले हैं और शिव ही तीनों लोगों के पालनहार संहारकार शिवमय जगत है। इसलिए शिवरात्रि के अवसर पर सीतामढ़ी जगदम्बा की धरती से समस्त विश्ववासियों को शिव रूपी कल्याण का शुभकामना है, संदेश है। और बार बार मैं कहूँगा कि सभी लोग शिवमय वातावरण में शिव अर्थात कल्याण, पूरे विश्व का कल्याण हो और हमारी संस्कृति रही है वसुधैव कुटुंबकम वाली। इसलिए न तो हम सर्वदा नाथ शंभु, राम ने भी शिव का पूजा किया, रावण ने भी शिव का पूजा किया, शिव में तमाम शक्तियाँ सन्निहित है और तमाम शक्तियों की ऊर्जा की प्राकट्य स्थली जगदम्बा की प्राकट्य स्थली जो तमाम तीनों लोगों का सृजन पालन और संहार करने वाली है। उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हारणिम नमामि श्रेष्ठ करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। इस धरती से शिव का संदेश, महाशिवरात्रि का संदेश, पूरे विश्व के कल्याण के लिए शिव का संदेश जाएगा। एक बार सभी लोग बोलिए हर हर महा।